अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स? आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इस त्यौहार के महीने में आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्ज़ी, जो बनानी बहुत ही आसान है और जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि हमने इसको कैसे बनाया है। मैंने ली है कढ़ाई और उसमें लिया है मैंने 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होने पर मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, और ज़ीरा जब हमारा चटक जाएगा तो मैंने इसमें लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप टमाटर। आप चाहें तो टमाटर को बारीक कट भी कर सकते हैं, जैसे हम एग भुर्जी में भी डालते हैं। टमाटर को हमें 1 मिनट तक इसमें ऑयल में ऐसे ही कंटिन्यू फ्राई करना है, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून भरकर रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर। इन सभी को हम 1-2 मिनट तक अच्छे से टमाटर के साथ पकाएंगे, और जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते, गल नहीं जाते, तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू पकाते रहेंगे। कंटिन्यू हम इसको चलाते रहेंगे, जिससे हमारे मसाले जो नीचे ना लगे, और हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। आप टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए और टमाटर में एक अच्छा सब्ज़ी में फ्लेवर लाने के लिए इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और 1/2 टीस्पून ऐड किया है इसमें गरम मसाला पाउडर, और इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे टमाटर के साथ। कंटिन्यू इसको हम चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब तक हमारे सारे मसाले और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता, इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 कप पानी, जिससे कि टमाटर हमारे तरह सॉफ्ट हो जाए, टमाटर हमें बिल्कुल भी ग्रेवी में दिखाई ना दे। और हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो देखिए, टमाटर ऑलमोस्ट हमारे गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ अब 6 से 7 के करीब हरी मिर्च, जिसको मैंने बीच में से कट नहीं किया है, बस साबुत ही हरी मिर्चों को मैंने इसमें डाल दिया है। और 1/2 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला पाउडर। चाट मसाले में अपना खुद का एक फ्लेवर होता है और इसमें नमक भी होता है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नमक 1/2 टीस्पून ऐड किया था। तो आप इस बात का याद रखें कि हम इसमें चाट मसाला ऐड कर रहे हैं, तो नमक की क्वांटिटी हमें थोड़ी कम रखनी है। तो मसाला हमारे बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाले से बिल्कुल सेपरेट हो चुका है देखिए, और कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, और बहुत ही अच्छी पूरे किचन में खुशबू आ रही है इसकी। भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी आज हम बना रहे हैं आप सभी के लिए स्पेशल रेसिपी। इस त्यौहार में आप अपने लंच में या डिनर में इसको बना सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी आपको रखनी है मसाले की या सब्ज़ी की, जितनी क्वांटिटी आपको रखनी है उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है, और पानी को हमें हाई फ्लेम पर पकाना है। जब इसमें बॉयल आने लगेंगे तो हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 के करीब उबले हुए आलू लिए हैं और इसको मैश कर लिया है। देखिए, मैंने इसको ज़्यादा बारीक मैश नहीं किया है, अगर आप बारीक पसंद करते हैं तो बारीक मैश कर ले, मुझे ये थोड़े मोटे मोटे से पसंद है, तो इन्हें मैंने हल्का मोटा मोटा मैश किया है। आप चाहे तो इन्हें बारीक भी मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी में आलू थोड़े मोटे मोटे अच्छे लगते हैं। आलू आपके अच्छे से उबल जाने चाहिए, तो ही आपकी सब्ज़ी बहुत मज़े की बनेगी। और पानी में बॉयल आने लगा था, अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आप थोड़ा लिक्विड पसंद करते हैं सब्ज़ी को तो लिक्विड रहने दें, और अगर गाढ़ा पसंद करते हैं तो गाढ़ा जितना आप चाहें उतना इसको पका सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। मैंने इसमें हरा धनिया मुट्ठी भर के करीब गार्निशिंग कर दिया है। हरे धनिया से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आता है, और ये बनकर बहुत ही मज़े की लगती है। तो देखिए, जितनी मुझे इसकी क्वांटिटी रखनी है थिक, उतनी ही मैंने थिक इसमें रखी है। आपको जितनी इसकी क्वांटिटी पसंद है सब्ज़ी की, आप उतनी ही रख सकते हैं।
अब हम चलते हैं पूरी की तरफ। अब भंडारे वाली सब्ज़ी बना रहे हैं हम, तो पूरी तो होना लाजमी सी बात है। तो पूरी को बेलकर मैंने एक साइड रख दिया है। ये मेरी बहुत ही क्रिस्पी पूरी बनती है इस भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी के साथ। अगर आपको मेरी पूरी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब वन बाय वन हम पूरियों को इसमें तलेंगे। तो देखिए पूरी का कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही फूली फूली हमारी पूरी बन रही है। अगर आपको मेरी ये पूरी और भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा इस दिवाली पर, इस त्यौहार पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक एक करके हम पूरी को तलेंगे। जब हम पूरी को इसमें डालते हैं तो थोड़ा सा इसको हमें प्रेस करना चाहिए, इससे जो हमारी पूरी होती है वो फूलती है। और याद रखिए पूरी जब हम इसको बेलते हैं तो हमें इसको मीडियम बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो। अगर पतली होगी हमारी पूरी तो बिल्कुल वो पापड़ की तरीके से लगेगी, और मोटी होगी तो उसमें बहुत ही अच्छा पूरी वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो याद रखिएगा पूरी बेलते वक्त हमें इसको मीडियम रखना है और ऐसे प्रेस करना है जैसे कि मैं प्रेस कर रही हूँ। तो देखिए आपकी बिल्कुल भटूरे जैसे शेप आएगी, बिल्कुल फूले फूले ये पूरी बनेगी, और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है। और ये पूरी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है, तो इसको खाऊंगी मैं रायते और प्याज और हरी मिर्च के साथ। तो मेरी आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्ज़ी बनकर तैयार है आप लोगों के लिए। इस त्यौहार में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आलू भंडारे की सब्ज़ी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।